हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यांश मॉम एंड डैड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज की, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट सब हो गया है, दो पेंटिंग भी कर ली मैं, और अभी मैं जा रही हूँ लंच रेडी करने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को धो लिया, उसके बाद उसको कट कर लिया है। ये मूली की पत्ती की सब्जी मैं बनाऊंगी, दिव्यांश के पापा को बहुत पसंद है तो ये खाते हैं। और ये मैंने पालक लिया है, इसको भी मैंने धो लिया है और इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। पालक वाली दाल बनाऊंगी तो इसमें मैं दो हरी मिर्च भी डालूंगी। और ये है तोरी, आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो उसकी मैं सब्जी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये पालक वाली दाल की तैयारी करती हूँ। तो मैं ये चना दाल और अरहर की दाल मैं भिगो के रख दी। तो सबसे पहले मैं पालक वाली दाल ही रेडी कर रही हूँ। तो मैं दाल मैं भिगो के रख दी थी, तो अभी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और नमक डालूँगी। तो हल्दी नमक टेस्ट के अनुसार ही डालेंगे। तो मैं इसमें अपने टेस्ट के अनुसार डाल रही हूँ और अब इसमें मैं पालक डाल रही हूँ, सॉरी। तो अभी मैं इसमें पालक डाल के फिर मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँगी। तो ये पालक, और मैं इसमें दो हरी मिर्च भी काट के डालूँगी। तो अभी मैं उसको रेडी करने के बाद अभी मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी। दाल में हल्दी नमक और पालक हरी मिर्च सब डाल के मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको कुकर का ढक्कन बंद करके अब मैं चढ़ा दी हूँ गैस पे। और इधर मैं तोरी की सब्ज़ी भी तैयार कर रही हूँ ताकि साइड में ये भी डाल दूँ। तो अभी मैं सब तोरी तो काट चुकी थी, ये आलू काटना बाकी था तो उसको भी मैं कट कर रही हूँ। और इसमें तड़के के लिए सिर्फ मैं लहसुन और हरी मिर्च डालूँगी, ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। वैसे मैं डाल के बनाती थी लेकिन अभी दिव्यांश को डॉक्टर मना किए हैं मसाला खाने के लिए, तो मैं इसे ही सादा बना रही हूँ। तो सिर्फ सरसों के तेल में ही तड़का दूँगी इसका। तो चलिए फिर रेडी करते हैं। सब्जी कट के रेडी हो गई है और ये मैंने दाल के लिए रेडी किया है। दाल में तड़का डालने के लिए दाल में पालक वाली दाल में लहसुन और हरी मिर्च के तड़का देती हूँ। वही बाबू को भी पसंद है, सबको वही पसंद है। तो जब तक अभी ये सब्जी हो रही है डालूँगी, उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बाबू को ये एप्पल कट करके दे दूँ, वो थोड़ा सा खा ले। तो अभी वो बच्चों के साथ खेल रहा है बाहर तो थोड़ा सा खा लेगा, और बच्चे भी सब हैं तो सब लोग खा लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो वो बिना छिलके का खाता है एप्पल, छिलका के साथ मैं अगर दूंगी तो वो थोड़ा सा भी नहीं खाएगा। तो छिलका मैं निकाल रही हूँ एप्पल का। तो ऐसे मैं उस छिलका निकाल के छोटा छोटा पीस करके उसको देती हूँ, तभी वो खाता है, अदरवाइज़ वो खाता भी नहीं है जल्दी। तो अभी ये देखिए एप्पल कट के तैयार हो गया है। तो ये दिव्यांश के लिए है, वो बच्चे दोनों बच्चे वो छिलके के साथ में खाते हैं तो वो भी खा लिए। तो अभी तीनों लोग खा के अपना खेल रहे हैं, बच्चे अपना आपस में बात करते रहते हैं। ये लोकल लैंग्वेज यहाँ का है गोवा का, उसी लैंग्वेज में वो लोग बात करते हैं। तो अभी ये देखिए ये छोटे बच्चे का वो गदा से खेल रहा है, ये बैट से। ये दोनों लोग तीनों लोग आपस में खेल रहे हैं तो इनकी मस्ती तो चलती रहेगी। मैं चलती हूँ किचन में, अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पे मैं मूली की सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही हूँ, उसके पत्ते की। तो मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाली हूँ और इसमें थोड़ा सा राई भी डाल दी थी, और वो जब चटकने लगा तो मैं इसमें मूली की पत्ती डाल दी हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे ढक के धीमी आँच पर छोड़ दूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना रहता है, मैं बाद में इसमें हल्का सा नमक ऐड करूँगी। और ये 5 मिनट में तैयार भी हो जाता है, और ये दिव्यांश के पापा को ही बहुत पसंद है, वही खाते हैं, मैं तो नहीं खाती हूँ। तो
मूली की सब्ज़ी को मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं दूसरे कढ़ाई में तोरी की सब्ज़ी डालूंगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं लहसुन डालूंगी। तो अभी तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। ये जब हल्का सा रेड कलर पे आ जाएगा तो मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। तो ये देखिए, इसमें एक मूली की पत्ती चली गई थी तेल में, तो ये अभी हो रहा है। तब तक मैं साइड में दूसरे भी काम निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब दूसरा भी काम है और वीडियो का एडिटिंग भी करना है। पेंटिंग का भी वीडियो बनाई थी तो उसका भी एडिटिंग करना है। तो ये मेरा रेड कलर का हो गया है, तो अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च ज़्यादा मैं रेड नहीं करती हूँ, हल्का सा ही वो सिर्फ कलर चेंज हो जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आलू डाल के भून लूँगी, उसके बाद मैं तोरी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू डाल रही हूँ, आलू को हल्का सा ही भूनूंगी। अब मैं इसमें तोरी भी डाल दूंगी, ये देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तब तक दिव्यांश के पापा आ गए थे, तो वो लाए थे लौकी और भी सामान लाए थे, तो वो अपना साइड में यहाँ लौकी रख रहे हैं। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ढक दूंगी। और अभी गैस को मैंने धीमी आंच पे कर दिया है। तो मार्केट गए थे तो ये लौकी लाए हैं और शिमला मिर्च और ये कटहल का है, कटहल का बीज है। तो ये फ्रूट्स, ये सीजनल फ्रूट्स है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो लेके आए हैं मार्केट से, तो उसको मैं साइड में रख दी हूँ फ्रिज में। और ये हो गया था मेरा, मूली की सब्जी हो गई थी, तो उसको मैं बाटी में, कटोरी में खाली करके रख रही हूँ। और इसको मैंने ढक के साइड में रख दिया। इधर तोरी की सब्जी हो रही है, इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। इसमें मैं हल्का सा हल्दी ऐड कर रही हूँ और हल्का सा नमक ही, और ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी। और इसको मैं सूखा बना रही हूँ, क्योंकि सूखा अच्छा लगता है, तो इसको मैं सूखा ही बनाऊँगी। अब मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। तो अभी जब तक लंच रेडी हो रहा है तो मैं सोची तब तक मैं थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। सब सामान इधर उधर बिखरा है, बाबू खेलता है तो सब सामान इधर उधर बिखर जाता है, तो पहले मैं उसको सब अच्छे से रखूँगी। देखिए वो खेल रहा है, आवाज़ आ रही है, तो पहले मैं उसको सब समेटूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा के मैं फ्री होती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा कपड़ा स्टिच करना है, बाबू का पैंट है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं, पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो तोरी की सब्ज़ी हो गई है, देखिए मैं इतना ड्राई बनाती हूँ, कुछ लोग थोड़ा सा गीला भी बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसे ही पसंद आता है तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो अभी मैं इसको खाली करके रख दे रही हूँ साइड में। और ये मेरा दाल भी हो गया है, मैं दिखाती हूँ। तो मेरा ये पालक वाली दाल रेडी हो गई है, इसको मैं तड़का भी दूँगी। तो ऐसा है, तो अभी मैं इसको खाली कर लूँगी कुकर में, क्योंकि मुझे इसमें चावल भी बनाना है। तो दिव्यांश के पापा मछली लेके आ गए थे तो उसको साफ़ करके मुझे दे दीजिए। तो ये देखिए, ऐसे इसको गोवा में ताड़ला बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च सॉरी रेड चिली ऐड कर रही हूँ, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं उसको ऐड नहीं कर पाई, उसको मुझे बनाना है, मैं बनाऊंगी अभी जल्दी। तो मैं इसको सब अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद इसके मैं फ्राई करूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से और बहुत सॉफ्टली, क्योंकि इसमें बहुत कांटे रहते हैं तो हाथ में धंसने का डर रहता है। तो ये देखिए ऐसे हो गया। अब मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। अब मैं दाल के तड़के के लिए थोड़ा सा मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं लहसुन डालूँगी। और ऐसे मैं रेड चिली डालती थी तड़के में, पालक वाली दाल में, तो अच्छा लगता था, लेकिन अभी थोड़ा सा दिव्यांश के लिए डॉक्टर मना किए हैं तो हम लोग नहीं डाल रहे हैं,
मछली में इसलिए डाल दिए क्योंकि मछली वो नहीं खाएगा, ऑयली चीज़ उसको अभी नहीं देना है, तो इसलिए मैं उसमें रेड चिली ऐड कर दी थी, लेकिन इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, इसमें सिर्फ मैं हरी मिर्च ही डाल रही हूँ। तो ये देखिए जब लहसुन रेड हो गया था तो मैं इसमें हरी मिर्च डाल दी, अभी ये हो रहा है, अभी मैं इसको दाल में डाल दी, तड़का हो गया। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी साइड में। ये देखिए ऐसे है, बहुत टेस्टी बना है। यहाँ कुकर में मैं चावल भिगो के रख दी हूँ, आधे घंटे तक वो रहता है, उसके बाद मैं गैस ऑन करती हूँ, चावल बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो इधर मैं जा रही हूँ मछली फ्राई करने के लिए, तो मैं फ्राई पैन में तेल डाल दी। ये देखिए इसमें तेल थोड़ा ही लगता है ऐसे फ्राई करने में। और साइड में मैं ये सूजी निकाल दी हूँ फ्राई करने के लिए मछली को। अब मैं इसमें अच्छे से इसको ये देखिए ऐसे लगा के अच्छे से, अब मैं इस पर फ्राई पैन में इसको रखते जाऊंगी। इससे मछली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कुरकुरी होती है मछली। ऐसे देखिए इसको अच्छे से रखते जाएंगे। तो सब मछली को मैंने रख दिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा हिला रही हूँ ताकि तेल सब पूरा फैल जाए, अच्छे से हो जाए। अब मैं इसका गैस थोड़ा सा कम करूँगी, मीडियम आँच पे करती हूँ मैं, तो बहुत अच्छी मछली फ्राई होती है। ये देखिए ऐसे, अब मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी और बीच बीच में मैं फ्राई पैन को थोड़ा सा हिलाते रहूँगी ताकि गैस का आँच है जो सभी मछली पर बराबर लगे। तो मैं मीडियम आँच पर ही करती हूँ। अभी देखिए ऐसे हो गया, एक साइड पक गया है, अब मैं इसको पलट दूंगी ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से हो जाए। देखिए ऐसे है, तो एक साइड से जब रेड कलर का हो जाए तो फिर उसे पलट दीजिए। ऐसे बहुत ही सॉफ्ट हाथ से इसे हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो मछली टूट जाती है। तो मैं सब पलट ले रही हूँ। दूसरे साइड से भी अच्छे से इसे सेकेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि वो अच्छे से हो जाए, नहीं तो अंदर में कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है, ये देखिए एक साइड सब ऐसे पक गया है, अब दूसरा साइड भी पकाएंगे। तो उसके लिए ढक के फिर से छोड़ देंगे। तो अभी दूसरा साइड भी हो गया है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। दूसरा साइड भी अब चेक करेंगे, ये देखिए रेड हो गया है। फिश मेरी एकदम तैयार है, मछली तैयार है खाने के लिए। अब मैं इसे थोड़ा सा बाद में खोल के रखूँगी, नहीं तो अगर ढक के रखूँगी तो वो कुरकुरा नहीं रह जाएगा, जो उसका ऊपर का सूजी है वो पानी उसका भाप जो है उसमें आ जाएगा, तो कुरकुरा नहीं रह जाएगा। तो मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और इधर मेरा मैं बाबू का ये जो पैंट था उसको भी मैं स्टिच कर रही हूँ। उसका वो जब बैठता है तो वो अपना पैंट वो फोल्ड करके नहीं बैठता है, तो वो मियाने के साइड से वो खुल जाता है, तो ऐसा मैं तिकोना कपड़ा लगाती हूँ, तो बाद में उसको कंफर्टेबल रहता है उठने बैठने में खेलने में। तो मैं इसको कर रही हूँ, ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग बाद में मिलते हैं आपसे। Thank you.
तो बाबू का पैंट बन गया है, मैं उसको अब भी रखने जा रही हूँ। ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो ये पापा की थाली है उसकी, ये मेरी थाली है, ये दिव्यांश की है। दिव्यांश को फिश नहीं खाना है, उनको रेड चिली नहीं खाना है, इसलिए उनके लिए फिश नहीं दिया है, मछली नहीं दिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। आप ऐसे मछली फ्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी लंच करने के बाद मैंने सब गैस वगैरह सब क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह सब क्लीन करके रख रही हूँ।